कोतवाली थाना क्षेत्र के जैनियाती नौरे के सामने की गली में गुरुवार रात को एक सूने मकान में चोरी की नीयत से घुसा एक चोर मोहल्ले वासियों के हत्थे चढ़ गया। सूचना पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची और चोर को अपनी हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार नहाटों की गली में एक सूने मकान में दो चोर चोरी करने आए थे। एक चोर मकान के ताले तोड़कर घर में घुस गया और दूसरा कार में ही बैठा रहा। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों ने चोर को देख लिया और चोर को पकड़ लिया। वहीं दूसरा चोर मौके से भाग गया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। कहते हैं कि सच्चा दोस्त अपने मित्र को मुसीबत में छोड़कर कभी नहीं जाता, लेकिन स्वार्थी दोस्त विपरीत परिस्थितियों में हमेशा साथ छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बाड़मेर शहर में दो चोरों के बीच की दोस्ती में, जहां दोनों चोर चोरी करने के इरादे से तो निकले, लेकिन एक चोर ने दूसरे को विपरीत परिस्थितियों में अकेला छोड़ दिया और लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला कोतवाली थाने क्षेत्र के जैनियाती नौरे के सामने की गली का है, जहां गुरुवार रात को एक सूर्य मकान में चोरी की नीयत से एक चोर घर में घुसा तो मोहल्ले वासियों के हत्थे चढ़ गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपनी हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार नाहटों की गली में एक सूर्य मकान में दो चोर गुरुवार रात चोरी करने के आए थे। एक चोर मकान के ताले तोड़कर घर में घुसा ही था तो दूसरा चोर कार में ही बैठा रहा। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों ने चोर को देख लिया और घर में घुसकर चोर को पकड़ लिया। इतने में लोगों की भीड़ देखकर कार में बैठा दूसरा चोर समझ गया और वहां रुका तो खैर नहीं, ऐसे में अपने दूसरे साथी को वहीं छोड़कर वो चोर कार लेकर मौके से फरार हो गया। फिर क्या था, लोगों ने आओ देखा न ताओ, हत्थे चढ़े चोर की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इसके बाद लोगों ने कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी। यहाँ पे चोरी हुई है, गहना वहना सब चोरी करके लेके गया, मालूम नहीं कितने जने थे। एक जने को हमने पकड़ा है जो छेदी के अंदर छिपा हुआ था, हमने दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे है और यहाँ पे सब लॉक टूटे हुए पड़े हैं और सामान है उतर पुतर हुआ पड़ा है। अभी हम सब परेशान है, पुलिस को फोन किया, हम उसको पकड़ के लेके गए। तो कितनी चोरी हुई है और क्या था? अभी हमारे को मालूम नहीं है, वो आज रवाना हुए है, वो आएंगे कल सुबह तो मालूम पड़ेगा क्या क्या रखा हुआ था, क्या चीजें क्या पे थी, कहाँ पे पैसा था, कहाँ पे गहना था, उसके सब चंद बताएंगे। तो मतलब ये मकान बंद था क्या था? मकान बंद था। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मतलब बंद ये अहमदाबाद रहते हैं। अच्छा, हमारे बिखरे में है, पड़ोसी है। तो किस तरह से चोर घुसे थे घर में? चोर है ना, सामने से किसी ने लेडीज ने देखा कार से आए थे, एक चोर को उतरा ऊपर चढ़ा, सामने देखा वो भाई तुम आए हो अहमदाबाद, हो गया मैं नहीं आया हूँ, तो सामने फोन किया हमारे को, हो गया आपके घर में चोर घुसा है। तो मैंने फटाफट सबको फोन किया, सब इतना भीड़ हो गई, भीड़ हो के फिर चार जनों को भेजा छत के ऊपर, पड़ोसी मकान के ऊपर, भाई तुम ऊपर ध्यान रखो, हम दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। कल शाम को 11 बजे के खिलाफ मिली थी, कोई सुने घर में गया तो घुस गया, वहाँ लोगों की भीड़ हो गई थी, 40-50 आदमी इकट्ठे हो गए थे। फिर वो लड़का नकबजन है जो पूरा काले दर्जे का 20-25 मिनट में उसके खिलाफ दर्ज है, स्टेजिटर भी है। वो क्या करता है, दिन को यहाँ रेकी करता है, शाम को जर के सुनने मकान देखता है, उसमें चैंग मारता है। तो रात को किसी लोगों ने देख लिया, इसको वहाँ पकड़ लिया, तो ये दीवार से ऊपर से कूदा, नीचे थोड़ी गर्म लगी भी है, थोड़ी लोगों ने भी साथ किया है। इसके साथ में कोई और था? साथ में कोई और था? एक लड़का और साथ था, एक इनके पास चोरी की वैगनार थी, वो हमने जब्त कर ली, खड़ी लगवा दी, वो एक दूसरे वाला भाग गया। लोगों द्वारा सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना के बारे में लोगों से जानकारी प्राप्त की। साथ ही पुलिस ने चोर के लोगों के चंगुल से छुड़ाकर गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से फरार हुए उसके साथी के बारे में गहन पूछताछ करने के साथ ही शहर में हुई अन्य चोरियों का पता लगाने में जुटी हुई है।